ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन? तुम एक वर्ड सुनते होगे कन्वर्जन, यार वो मुसलमान बना रहे हैं, वो हिंदू बना रहे हैं, वो ईसाई बना रहे हैं। सर वो सब फेक कन्वर्जन है। कन्वर्जन दो तरह से है। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बड़ा कन्वर्जन पर जोर दिया, मुसलमानों ने कन्वर्जन पर जोर दिया, हिंदू एक कौम है जिसने कन्वर्जन पर जोर दिया ही नहीं। जबकि किसी भी धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कन्वर्जन। बड़ी अजीब सी बात है ये। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन इज कन्वर्जन। हिंदू धर्म का भी है कन्वर्जन बेसिक प्रिंसिपल, इस्लाम का भी है, क्रिश्चियनिटी का भी है, सबका है। तो कैसा कन्वर्जन? हम सब जब पैदा होते हैं तो अपने सेंसेस पे रहते हैं। नरेंद्र अपनी सेंसेस पे है, और दूसरा है कॉन्शियस, चेतना। रिलीजन अल्टीमेट चीज, अल्टीमेट। अब देखो नरेंद्र, एक बर्थ आपको किसने दिया? मदर ने। हम सब सेंसेस पे पैदा होते हैं, सेंसेस पे जीते हैं, पर सेंसेस जो है वो लिमिटेड है। चालीस साल तक अच्छा खाना खा लोगे, 50 साल तक अच्छा खाना खा लोगे, फिर डायबिटीज हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर डॉक्टर कहेगा कि देखो मीठा मत खाना, फिर क्या करोगे? तो 50 साल के बाद अगर 30 साल और जिंदा रहे, जो कि रहोगे 50 और रहोगे, तो वो तो नर्क हो गया ना। जो भी सेंसस पे सिर्फ जिएगा वो अंतिम में आईसीयू पहुंचेगा। अमर सिंह सबसे बड़ा एग्जाम्पल। कितना पैसा था अमर सिंह के पास? 10,000 करोड़। बेचारे 2 साल हॉस्पिटल में रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन स्वामी करमवीर, कभी आपको पुरकाजी जाने का मौका मिले तो आप स्वामी करमवीर से मिलिए। बाबा रामदेव जी के गुरु हैं, पतंजलि आश्रम है इनका पुरकाजी में। 70 साल के युवा हैं। ही इज अ यंग मैन ऑफ 70 ईयर्स। यू कैन गो एंड मीट हिम, पुरकाजी ऑन द वे टू हरिद्वार। टुडे ऑल्सो ही रन्स फॉर 40 किलोमीटर। रन्स, नॉट जॉगिंग, रनिंग। ही गेट्स अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग। तो हर व्यक्ति, हम सब किस पे पैदा होते हैं? सेंसेस पे। सेंसेस की क्या है? लिमिटेशंस है। तो यू गॉट अ गुरु। कौन सा गुरु? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो नरेंद्र को कौन मिल गया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। तुम कभी कभी कहते हो ना कि स्वामी विवेकानंद के पास इतनी क्षमता कैसे थी? सर आपके अंदर भी है सर। ये वेस्टर्न कंट्रीज ये हमें डरा रही हैं। 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़, 30। और ये छोटी मोटी कंट्रीज, अगर सिर्फ हम डंडा उठा के दौड़ेंगे ना किसी कंट्री की तरफ, 50 करोड़, उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा। लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट। ये देखो, ये है रियल कन्वर्जन। इसीलिए हिंदू धर्म ने कभी कन्वर्जन के लिए मिशनरी नहीं भेजी। क्रिश्चियनिटी भी इसी की बात करती है, इस्लाम भी इसी का बात करता है,
इस्लाम भी यही कहता है। अभी मैं सुनाऊंगा मोहम्मद साहब की कहानी, हीरा पर्वत जहां पर वो ध्यान करते थे, मक्का में है हीरा पर्वत। श्यामलाल शमशुद्दीन बन गया या श्यामलाल सैमुअल बन गया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर यह परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अलारकामा मिल गए और सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को पकड़ा, क्योंकि बुद्धिज्म का सोल मोटिव है कन्वर्जन, फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस। वर्धमान क्या बन गए? महावीर। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन संत हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रिश्चियन संत हैं, बहुत सारे मुस्लिम संत हैं। ये है रियल कन्वर्जन, यही इस्लाम भी कहता है। इस्लाम भी एग्जैक्टली यही चीज कहता है। जैसे हिंदुइज्म कहता है कि हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है, हर व्यक्ति, एनीवन हु इज लिविंग ऑन हिज सेंसेस इज अ शूद्र। इस्लाम कहता है कि जो भी सेंसेस पे जी रहा है वो काफिर है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता। लाओ कोई मुसलमान इंटेलेक्चुअल कहे मेरे सामने काफिर का मतलब हिंदू होता है। जो आफाक में गुम है वो काफिर है। अल्लामा इकबाल साहब हुए, बहुत फेमस कवि हैं कश्मीर के, हिंदुस्तान के, रूमी के शिष्य हैं, बहुत बड़े सूफी, कभी उनको पढ़िए आप। तो शूद्र अगर गुरु के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? ब्राह्मण। काफिर अगर गुरु के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? मुसलमान। यह है कन्वर्जन का मतलब, इंद्रियों से कॉन्शियस की तरफ, लोअर लेवल टू हाईएस्ट लेवल। सारे धर्म इसी की चर्चा करते हैं सर। भारत ने तो एक परंपरा ही विकसित कर दी, द्विज, ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म, एक बार जन्म, पहली बार जन्म मां देगी और दूसरी बार जन्म गुरु देगा। पहला जन्म जो मां से होगा, हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है सर, नरेंद्र शूद्र है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है सर वो शूद्र है, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, जो भी इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र है। उसका सर टाइटल से कुछ भी नहीं देना, नहीं, पांडे, शुक्ला, तिवारी, सिंह, एवोल्यूशन है सर। जो भी इंद्रियों पे है वो शब्द क्षुद्र से आया ही है, लेकिन फिर गुरु मिल गए रामकृष्ण परमहंस और ये बन गए स्वामी विवेकानंद। ये असली कन्वर्जन है सर, लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल। मैंने बहुत सारे, हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो हमें भी बड़ा शौक था स्वामी विवेकानंद के कोट लाके चपकाने की, कमरे में अपने रखते थे, उठो जागो और तब तक मत सरेंडर करो जब तक गोल हासिल ना हो, बड़ा अच्छा लगता था पढ़ के। लेकिन समझ में नहीं आता था कि गोल क्या है यार, आईएएस बनना ही गोल है, पीसीएस बनना ही गोल है, बस यही। ये कन्वर्जन है सर, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है, द्विज, ट्वाइस बॉर्न।